सैयाह अफ्रीका के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां किसी गैर मुल्की का दाखला बंद था, और अगर कोई भूले से चला जाता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। सैयाह को जब इस हकीकत का पता चला तो वो बिल्कुल ना घबराया। उसने बहुत से तोहफे खरीदे। वो तोहफे खरीद कर फारिग ही हुआ था कि पुलिस ने उसे आ लिया। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह तहायर देखकर बहुत खुश हुआ। वह सैयाह से मुखातिब हुआ, हमारे इलाके में जो भी गैर मुल्की आता है हम उसे कत्ल कर देते हैं। इन तहायफ के बदले में तुम्हारे साथ एक रियायत कर सकता हूँ। रियायत? सैयाह ने हैरत से पूछा। हाँ रियायत, और वो ये कि कल जब तुम दरबार में हाजिर किए जाओगे तो तुम्हारे सामने दो पर्चियां लाई जाएंगी। एक पर्ची पर जिंदगी और दूसरी पर मौत लिखी होगी। तुमने एक पर्ची उठानी है। अगर तुमने मौत वाली पर्ची उठा ली तो कत्ल कर दिए जाओगे, और अगर जिंदगी वाली पर्ची उठा ली तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बताया। सैयाद जान गया कि इसे हर सूरत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोनों पर्चियों पर मौत ही लिखी होगी। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। वो झट से बोला, मुझे मंजूर है बादशाह सलामत। अगली सुबह उसे दरबार में पेश किया गया। फिर उसके सामने दो पर्चियां रखी गईं। सारे दरबारी दम साधे सैयाह को देख रहे थे। सैयाह ने एक नज़र दरबारियों पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए बड़े इत्मीनान से एक पर्ची उठाकर मुंह में डाली और निगल ली। लोग धक से रह गए, लेकिन उसने सुकून से कहा, एक पर्ची मैंने निगल ली है, दूसरी पर्ची को देखा जाए। अगर इस पर मौत लिखी है तो मैंने जिंदगी वाली पर्ची निगल ली है। दूसरी पर्ची चेक की गई तो वाकई उस पर मौत ही लिखा हुआ था। और यूं इस जहीन सयाह ने समझदारी से अपनी जान बचा ली।